हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसे नाश्ते की रेसिपी जो बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। एकदम क्रंची सा कुरकुरा नाश्ता आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो आज की हम रेसिपी बनाएंगे सूजी और कच्चे आलू से, जो कि बहुत ही कम मेहनत में और हेल्दी सा स्नैक बन के तैयार होगा। तो इसके लिए हमने एक कटोरी सूजी ली है और एक आलू को ग्रेट करके पानी में रखा है ताकि ये काला ना पड़े। तो अब हम लेंगे एक पैन और उसमें डालेंगे 2 कटोरी पानी। तो हमने एक कटोरी सूजी लिया है तो 2 कटोरी पानी का यूज़ हम करेंगे। तो कढ़ाई में हमने 2 कटोरी पानी ऐड कर लिए हैं। अब हम गैस को कर देते हैं ऑन ताकि हमारा पानी गर्म होता रहे, और इसी में हम डालेंगे 1/2 टीस्पून जो है वो साबुत जीरा, तो ये कच्चा जीरा है। साथ में मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 1 बारीक कटी हुई लाल मिर्च, या फिर आप कुटी हुई लाल मिर्च का यूज कर सकते हैं। तो तीखा आप अपने अनुसार ज़्यादा या कम रख सकते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद हमें डालना है नमक। तो फ्रेंड्स, पानी में ही नमक ऐड करना ज़्यादा सही होता है, इससे नमक अच्छे से पानी में घुल जाता है और बाद में अगर हम ऐड करते हैं तो कहीं नमक ज़्यादा और कम हो जाता है। तो पानी में ही कोशिश करें ऐड करें। और साथ में मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ 1 चम्मच कुकिंग ऑयल। तो बस अब सारी चीज़ें हो गई है मिक्स, तो इसे अच्छे से गर्म होने देते हैं। और इसके बाद जो हमने आलू ग्रेट करके रखे हैं वो भी इसमें ऐड कर लेते हैं, क्योंकि आलू अभी कच्चा है तो पानी इसका निकाल करके आलू को ऐड कर लेना है ताकि आलू भी अच्छे से पानी के साथ कुक होता रहे। तो बस हमें इसे चला देना है। और आलू जो फ्रेंड्स है वो बहुत ही जल्दी कुक होता है इसमें। तो लगभग जब 50% आलू इसमें कुक हो जाए 2 से 3 मिनट लगते हैं इसे पकने में। तो जब ये उबाल आने लगे तो इसका मतलब है कि आलू लगभग पक चुका है। अब इसमें हम ऐड कर लेते हैं ग्रेट किया हुआ गाजर ताकि हमारी रेसिपी हेल्दी बने। तो आप अपने पसंद से कोई भी इसमें सब्जियां डाल सकते हैं, बस ये एकदम बारीक से कटी होनी चाहिए या फिर आप उन्हें ग्रेटर से ग्रेट कर लें। तो गाजर को भी मिला लेते हैं। बहुत ज़्यादा इसे कुक करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, बस उबलते रहना है। और साथ में मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ हरी धनिया। तो धनिया के बिना तो रेसिपी अधूरी सी ही लगती है। इसके बाद डालेंगे हम सूजी। तो थोड़े थोड़े सूजी डालते हुए हम चलाते रहेंगे ताकि जो सूजी में है वो लम्स ना पड़े। और गैस का फ्लेम इस स्टेज पे हमें लो रखना है ताकि सूजी जो है वो अच्छे से पके। तो देखिए धीरे धीरे हमने यहाँ पे सारी कटोरी की सूजियाँ डाल दी हैं और ये पहले से थिक भी हो गई हैं। तो ऐसे ही सूजी धीरे धीरे सूखने लगती है, तो गैस को हमें एकदम लो रखना है फ्रेंड्स ताकि सूजी अच्छे से फूले और ये कुक हो। बस कंटिन्यू हमें इसे चलाना है। तो देखिए पहले की अपेक्षा हमारी सूजी जो है काफ़ी थिक हो गई है। तो ये सब प्रोसेस फ्रेंड्स केवल 5 मिनट में ही हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी से ये बनता है। तो यहाँ पे अब हम गैस को कर देंगे ऑफ और उसके बाद हम इसे ढक देंगे ताकि जो सूजी है वो अच्छे से फूले और ये थोड़ा सा ठंडा भी हो जाए। तो ढकेंगे तो सूजी काफ़ी अच्छे से खिलेगी। तो मैं इसे यहाँ पे ढक देती हूँ ताकि ये अच्छे से खिली खिली सी रेसिपी बने। तो फ्रेंड्स मैंने इसे 5 मिनट के लिए ढका था, तो अब देखिए ढक्कन को हटाते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो पहले सूजी थी वो पहले से ज़्यादा सूख गई है और अच्छे से फूल भी गई है। तो अब हमें ले लेना है 1 प्लेट या थाली, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, और उसमें हल्का सा लगा देना है ऑयल, उसे अच्छे से फैला देंगे। और इसके बाद जो हमने सूजी बना करके तैयार किया था वो इसमें रखेंगे और इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। तो इस स्पैचुला की सहायता से हम इसे दबाते हुए पूरे प्लेट या थाली में फैला देंगे। तो आप क्वांटिटी के हिसाब से प्लेट या थाली यूज़ कर सकती हैं।
तो बस अच्छे से किनारों से भी इसे फिनिशिंग करते हुए, एकदम ऊपर से चिकना करते हुए अच्छे से सेट कर लेना है। तो जब ये अच्छे से सेट हो जाए फ्रेंड्स ना, तो हमें इसे कुछ टाइम के लिए छोड़ देना है ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए, क्योंकि अभी ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो इसे छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा सा टाइट हो जाए, ठंडा होने के बाद ये टाइट हो जाता है, तो बस हमें इसे छोड़ देना है। तो देखिए अब ये अच्छे से पूरी तरीके से ठंडा हो गया है, तो अब हम इसे चाकू की सहायता से कट कर लेंगे। तो आप अपने मनपसंद शेप में इसे कट कर सकते हैं। तो मैं इसे बर्फी के शेप में काट रही हूँ, तो बस आसानी से ये कट भी जाता है और निकल भी जाता है, बस इसे पूरी तरीके से ठंडा करने के बाद ही निकालें। तो देखिए ये अच्छे से कट गया है, तो चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो है वो तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। तो फ्रेंड्स ऑयल जो है हमारा वो अच्छे से गर्म होना चाहिए, बहुत ही जल्दी इसे ये फ्राई भी हो जाता है और साथ में ऑयल भी बहुत कम एब्जॉर्ब करता है। तो बस एक एक पीस उठाइए और कढ़ाई में छोड़ दीजिए, और एकदम अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक, एकदम क्रिस्पी होने तक हमें इसे फ्राई करना है। बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही कुरकुरा सा हमारा नाश्ता जो है वो बन के तैयार होता है। तो जब भी मेहमान आ जाए तो भी आप इसे बना सकते हैं, और आप इसकी पहले से तैयारी करके भी आसानी से रख सकते हैं। बस गर्मा गर्म फ्राई कीजिए और सर्व कीजिए। तो अच्छा सा कलर आ गया है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो देखिए बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी सा है, और साथ में ये हेल्दी भी है। तो आप इस नाश्ते को फ्रेंड्स जरूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को भी खिलाइए। तो फ्रेंड्स ये रेसिपी जितना देखने में टेस्टी लग रहा है, उससे कहीं ज़्यादा खाने में भी टेस्टी लगता है। तो आप इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।